बड़ी खबर यहां पर बता रहे हैं, न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल से जुड़ी हुई बड़ी खबर। यूपी में एनडीए की 2019 से ही बड़ी जीत, एनडीए को 68 से 71 सीटें मिल सकती हैं, मिल सकती हैं। लगातार इस बात को हम दोहरा रहे हैं, इंडिया गठबंधन को 9 से 12 सीटें और यूपी में अन्य के लिए कोई जगह नहीं। एनडीए 64 सीटों पर थी पिछली बार और इस बार 2019 से भी बड़ी जीत उत्तर प्रदेश के अंदर एनडीए को मिल सकती है, 68 से 71 सीटें। इंडिया को 9 से 12 पिछली बार 6 सीटों पर था, ये गठबंधन इस बार 9 से 12 सीटें। बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश 80 सीटों वाला राज्य, सबसे बड़ा राज्य और लखनऊ से होकर ही गुजरता है दिल्ली के लिए पहुंचने वाला रास्ता। और बिहार को लेकर, 40 सीटों वाले बिहार को लेकर क्या कहना है मेगा एग्जिट पोल का। 39-1 का स्कोर कार्ड पिछली बार रहा था बिहार में, इस बार 31 से 34 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं, 6 से 9 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। 39-1 का आंकड़ा पिछली बार बिहार में, अन्य के लिए कोई जगह नहीं। और बिहार में यहां इंडिया गठबंधन को बढ़त, इस बार नुकसान 40 सीटों पर एनडीए गठबंधन को, बीजेपी और जेडीयू साथ साथ 31 से 34 सीटों पर बिहार का मुकाबला। ये मेगा एग्जिट पोल की तस्वीर 4 तारीख को आएगा असली जनादेश, उससे पहले ये अनुमान बिहार में अदर्स के लिए कुछ नहीं। जो सर्वे का पूर्वानुमान आया है और जिस ढंग से लगा है कि भारत में एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन रही है, मैं भगवान से कामना करता हूँ ये सरकार फिर भारत को आगे बढ़ाने में सिद्ध हो। यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे देश को न केवल दुनिया का नंबर वन का देश बनाना चाहते बल्कि लोकतंत्र के गौरवान्वित करने वाला अवसर भी है। मेरी अपनी ओर से मदुरई वासियों को, तमिलनाडु वासियों को, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी बधाई और ये प्रेम हमारा बना रहे। मैं यही कामना करते हुए भगवान से कामना करता हूँ कि हमारी हिंदू सनातन संस्कृति के झंडा लगातार लहराता रहे। और मेगा एग्जिट पोल में नवीन पटनायक का राज्य ओडिशा क्या कह रहा है, मेगा एग्जिट पोल की तस्वीर 21 सीटों को लेकर एग्जिट पोल में क्या निकल कर सामने आया है। बीजेपी को 13 से 15 सीटें एग्जिट पोल दिखा रहा है, बीजेडी को 6 से 8 सीटों का अनुमान, 12 सीटें थी बीजेपी के पास, बीजेडी के पास पाप की जगह पिछली बार 6 से 8, यानी कि बीजेडी को नुकसान, बीजेपी को बढ़त यहां पर दिख रही है। ओडिशा की 21 सीटों का ये एग्जिट पोल हम आपको बता रहे हैं। और अब मेगा एग्जिट पोल झारखंड को लेकर क्या कह रहा है, आइए वो आप जान लेते हैं। झारखंड की तस्वीर क्या है, न्यूज 18 का ये मेगा एग्जिट पोल झारखंड को लेकर, 2019 में 14 सीटें झारखंड के अंदर लोकसभा की, एनडीए के पास 12 सीटें, 55% से ज्यादा का वोट बैंक एनडीए को मिला था, यूपीए गठबंधन उस समय का 2 सीटें, 30% के आसपास रहा वोट बैंक, लगभग 31% के आसपास मान लीजिए। और इस बार मेगा एग्जिट पोल की तस्वीर क्या कहेगी वो हमको, हम आपको बताएंगे। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन यहां मैं आपके पास आऊंगी, उमेश घोरमोड़े जी। अभी कुछ देर पहले यशपाल जी गिना रहे थे कि इसके खिलाफ की जीत है ये, उसमें से एक मुद्दा था परिवारवाद का, लेकिन परिवारवाद को लेकर आप लोग कांग्रेस पर हमलावर रहते हैं, आरजेडी पर हमलावर रहते हैं, बाकी एसपी अन्य पार्टियों पर हमलावर रहते हैं, लेकिन एक आंकड़ा आपके सामने रख रही हूं, बीजेपी के 442 उम्मीदवारों में से इस बार 110 पॉलिटिकल फैमिली से थे, क्या कहेंगे आप, ये परिवारवाद नहीं है क्या? देखिए, परिवारवाद और परिवारवाद के इर्द गिर्द उस पूरे राजनीतिक दल की राजनीति का चलना
और केवल परिवार के आधार पर, इस आधार पर कि माँ अध्यक्ष थी तो बेटा अध्यक्ष हो जाएगा, सास अध्यक्ष थी तो बहू अध्यक्ष हो जाएगा, पति अध्यक्ष था तो उनकी पत्नी अध्यक्ष हो जाएगी, ये एक परसेप्शन है। और दूसरा, जिस हिसाब से आप जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, एक परिवार में क्या एक टीचर का बेटा टीचर नहीं हो सकता? एक जिस प्रकार से आप एंकरिंग कर रही हैं, कल न्यूज़ 18 के अंदर में आपके परिवार से कल कोई नहीं आ सकता, लेकिन उसमें फर्क है अपने टैलेंट, अपने परफॉर्मेंस, जमीन में खपने के बाद, जनता के बीच कार्य करने के बाद, एक कार्यकर्ता के रूप में लगातार संघर्ष करने के बाद, उस पैमाने पर अपने आप को तपा करके जनता के बीच में यदि कोई जाए और फिर चुनाव में उतर करके, चुनाव जीत करके निकल करके आए, तो इन दोनों में फर्क होता है। और मुझको लगता है कि देश की जनता ने इस फर्क को साफ कर दिया है, और इसीलिए बीते दो चुनाव से आज परिवारवाद के आधार पर बात करने वाले, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे सपा की बात करें, या फिर लालू यादव जी के परिवार के विषय की बात करें, इन तमाम लोगों को जनता ने स्थानीय स्तर पर भी और देश के स्तर पर भी सबक सिखाने का काम किया है। अर्थात साफ है कि जनता भी परिवारवाद की राजनीति को स्वीकार नहीं करती है, और हम इसीलिए इस विषय को कहते हैं। और ये केवल आज का विषय नहीं है, यदि हम या कोई भी इस प्रकार की परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा देगा तो जनता प्रबुद्ध है, निश्चित तौर पर जनता उसको अपने पैमाने पर वहां से बाहर करने का, बाहर का रास्ता दिखाने में सक्षम है। और जिस प्रकार से अभी इस एग्जिट पोल में आपके अलग अलग राज्यों का भी नतीजा आ रहा है, जिस प्रकार से मैं अभी देख रहा था उड़ीसा में हमको बढ़त दिख रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर में हम पहले से बेहतर कर रहे हैं, और साउथ के अंदर भी हम जिस प्रकार से बेहतर करते हुए जा रहे हैं, जो एग्जिट पोल के नतीजे आपके दिखा रहे हैं, मैं इस आधार पर कह सकता हूं कि जब परिणाम निकल करके आएंगे तो मुझको ऐसा लगता है कि हमारा जो लक्ष्य है 400 पार का एनडीए के साथ, उसको हम पार कर जाएंगे। और उसके पीछे भी आपके एग्जिट पोल के इतर मेरे पास एक और तर्क है। अगर मैं 2014 की बात करूं तो बीजेपी को 31% वोट शेयरिंग मिलती है, और हम 2014 के अंदर में पहली बार सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में निकल करके आते हैं, 19 में हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है और हम 37% से ज़्यादा, जो अब तक के लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट शेयरिंग के साथ, हम 19 में जनता के आशीर्वाद से सरकार बनाते हैं। और जिस प्रकार से अभी तमाम राज्यों के अंदर से आंकड़े निकल करके आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में आपने आंकड़े बीजेपी के वोटिंग परसेंटेज में बढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में बढ़ करके आ रहा है, तमाम राज्यों के अंदर में बढ़ कर आ रहे हैं। अब जब ये पूरे देश के हिसाब से आंकड़े निकल करके आएंगे तो मुझको ऐसा लगता है, मतलब 40 से 47% तक देश भर के अंदर में वोट शेयरिंग होगी। जहां पर सैचुरेशन पॉइंट पर है बीजेपी, वहां पर तो वो टिकी हुई है, और जहां पर वो कल तक नहीं थी वहां पर वो गेन कर रहे हैं, यानी कि खोने के लिए आपने कुछ खोया ही नहीं, आप तो ये कह रहे हैं, हालांकि 4 तारीख को साफ हो जाएगा। धनंजय जी, नहीं नहीं, हमने मेहनत किया है, देखिए हमने मेहनत किया है उन क्षेत्रों, एक मेरे को 5 सेकंड दे दीजिए, आपकी मेहनत पर बात, देखिए यही 5 सेकंड दे देंगे प्लीज जी, परिवारवाद का भी विषय, इसलिए 5 सेकंड रिक्वेस्ट है आपसे। देखिए हमने लगातार मेहनत की, हम 2 से चले थे, आज 19 में 303 तक पहुंचे, अब 400 पार का नारा है, निश्चित तौर पे उसको पूरा कर, उसके पीछे कारण है, जहां हम कमजोर थे वहां हमने मेहनत किया, कांग्रेस जहां कमजोर थी वहां उन्होंने मेहनत नहीं किया, जहां मजबूत थी उसको कांग्रेस ने छोड़ दिया। सचिन पायलट के आगे की कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा हुआ है, वो और आपसी फूट उसके बाद प्रदेश कांग्रेस के अंदर, और उसके बाद ये कहना कहीं पर किसी उम्मीदवार को भारी बताना, फिर बाहरी बता देना, और फिर भूपेश बघेल का ये कहना कि देखिए चाहता तो नहीं था मैं लड़ना, लेकिन पार्टी का फैसला है इसलिए मैं मैदान में उतरा हूं, क्या इससे कार्यकर्ताओं के मनोबल पर फर्क नहीं पड़ता? देखिए अर्पणा जी, निश्चित तौर पर कौन किस जिम्मेदारी पर रहेगा ये पार्टी तय करता है। भूपेश बघेल ने ठीक कहा, पार्टी तय करी तो चुनाव लड़ेंगे, पार्टी ने डिसाइड किया कि भूपेश बघेल राजनांदगांव चुनाव लड़ेंगे, भूपेश बघेल चुनाव लड़े हैं। स्वाभाविक बात है जब चुनाव हम हारते हैं थोड़ा सा मनोबल तो डाउन होता है, तो उसको लेकर चरण दास मन जी ने कहा, लेकिन जिस प्रकार से हम लोकसभा के चुनाव में हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेता जनता के बीच गए, कांग्रेस पार्टी के विचारधारा को पहुंचाया, कांग्रेस पार्टी की योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है, तो उसके परिणाम आप देखेंगे 4 तारीख को मिलेगा। इस प्रदेश में हम भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा लोकसभा सीटें जीतेंगे, और केंद्र में भी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये मेगा आपका एग्जिट पोल है, चूंकि एग्जिट पोल है तो इसमें हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं इस एग्जिट पोल को इसलिए कंप्लीट नहीं मानता क्योंकि अभी एक चैनल के डिबेट में था, मैंने पूछा एग्जिट पोल का सिंपल साइज क्या है, तो वहां मुझे पता चला कि हर बूथ में 15 लोगों से इन्होंने चर्चाएं की है जो वोट डाल के आ रहे थे। तो आप जैसे रायपुर लोकसभा सीट को आप लेते हैं तो 15 अगर एक बूथ में आप पूछे हैं तो यहाँ 2500 से आसपास बूथ यहाँ पे बूथ है,
मतलब टोटल 37,000 लोगों से या 38,000 लोगों से या 40,000 लोगों से आपने पूछताछ किया है, और प्रदेश रायपुर लोकसभा सीट में लगभग 15.5 लाख मतदान हुए, 23.5 लाख मतदाता हैं, तो स्वाभाविक बात है बहुत सारी चीज़ें हैं, एग्जिट पोल के सैंपल साइज से डिसाइड होता है। ठीक है, हम चर्चा कर रहे हैं, चर्चा में मजा भी ले रहे हैं, हमारे जो मित्र बैठे साथ ही उनको खुशी भी मिल रहा है, 4 जून तक वो खुश भी रह जाए, लेकिन आप देखेंगे जब 4 जून के परिणाम आएंगे वो आश्चर्यचकित करने वाले होंगे, क्योंकि ये चुनाव में किसान चुनाव लड़े हैं। फिर ये चुनाव सुन लीजिए ना अर्पणा जी, सुन लीजिए ना अर्पणा जी, और क्योंकि ये चुनाव इस देश में किसान चुनाव लड़ा है, इस देश में युवा चुनाव लड़ा है, इस देश की महिलाएं चुनाव लड़े, इस देश के व्यापारी चुनाव लड़े, इस देश का हर वर्ग, क्योंकि विपक्ष सबसे बड़ा कोई होता है तो जनता होता है सरकार का, हम राजनीतिक दल के लोग हैं इसलिए विपक्षी कहलाते हैं, लेकिन जनता से बड़ा विपक्ष कोई नहीं होता, जनता चुनाव लड़ा हुआ है। रुक रही हूँ, बड़ी बात यहाँ जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी का फर्जी बयानबाजी चल रहा है ना, लौटेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, जल्द लौटते हैं।